नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। आज विशेष करके हम बात करेंगे हमारा अंजाव जिले के एक सर्कल है, हमारा गोयलेंग सर्कल। तो आज हम फिर से बात करना चाहेंगे क्योंकि आज भारत सरकार ने सारे देश प्रदेश में रोथ निर्माण करने के लिए बहुत सारा फंड जो दिया गया है सेंटर से, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में आज हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। परंतु हमारा अंजाव डिस्ट्रिक्ट में एक गोयलेंग सर्कल है और हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी से मैं आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा गोयलेंग सर्कल एक चाइना बॉर्डर से सटा हुआ वाला एक सर्कल है, जहाँ 1962 वार के दौरान चाइना का जो आर्मी है वो गोतोंगलाट विलेज तक आकर के एक महीना रह कर गया है और बॉर्डर पड़ता है दुदाकरो। तो गोयलेंग से गोतोंगलाट तकरीबन 35 किलोमीटर समथिंग है, और वहां से भी और 35 किलोमीटर कुछ ऐसा है दुदाकरो तक। तो हम चाहते हैं कि हायुलेंग सर्कल के जो जीरो विलेज है, नैनोलियंग बोलते हैं आईटीबीपी कैंप, वहां से लेकर के वो गोतोंगलाट दुदाकरो तक हाईवे का निर्माण किया जाए, ताकि वहां के जो जनता है और वहां का जो मेन जो बॉर्डर है उसका सेफ्टी के लिए। देखिए हमारा यह गोयलेंग सर्कल का रास्ता बना वाला पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के तरफ से वो बहुत साल हो चुका है, लेकिन अभी तक भी हमारा गोयलेंग का रास्ता जो है बहुत कंडीशन खराब है। पिछले बार आया था रोड एक्सटेंशन करना है करके 24.2 करोड़ आया, तो वो पैसा को कहाँ यूज किया है, कैसा यूज कर रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है कि वो रास्ता अच्छा बना वाला अभी तक। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अनुरोध करता हूं, एज ए गोयलेंग सरकार का मैं एक यूथ हूं, मैं अंजाव का एक युवा होने के नाते हम अरुणाचल सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमारा अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी वो बहुत ही डायनामिक लीडर है, वो एक बहुत ही एक्टिव है और समाज के लिए वो सोचते हैं, हमारा अरुणाचल के लिए सोचते हैं। तो सर आपसे हम डायरेक्ट हम रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं एक अंजाव का यूथ हूँ, मैं एक डाउ वैली से मैं बिलोंग करता हूँ, बचपन से लेके आज तक हम लोग ने जो रास्ता में चढ़ के आया वो अभी तक ऐसे ही चल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे भी इस बार हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप हाईवे का निर्माण करा रहे हो, उसी प्रकार हमारा डाव वैली गोयलेंग सर्कल उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ताकि अभी जैसा किवीथो से जाएगा फिर गोयलेंग जाएगा चाकला जाएगा, ऊपर में एक जंक्शन होता है। तो हम चाहते हैं कि इस बार आप लोग जैसे भी करके गोयलेंग का रास्ता को आप लोग हाईवे में देने से बहुत अच्छा होगा। दुदाकरो तक जैसे भी आप लोग हाईवे को निर्माण कीजिए, सो देट हमारा जो आज वहां की विलेजर्स वहां का जो जनता है बहुत ही तकलीफ में बैठा हुआ है। देखिए आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन हमारा समाज के लोग हमारा मिश्री जनजातीय लोग आज भी पैर से चढ़ करके अपने सिर में लोड बुक करके अभी भी तकलीफ में वो जी रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सरकार के पास में पैसा है और सरकार की मुहिम भी है, योजना भी बना रखा है जो वाइब्रेंट विलेज करके, वाइब्रेंट विलेज आप लोगों ने बनाया, जितना भी बॉर्डर से सटा हुआ गांव विलेज को इंडिया फर्स्ट विलेज किया गया। तो ये जो मैं लखीमसु बिलाए इंडिया फर्स्ट विलेज बनाना भी हमारे भी योगदान था उसमें, हमारा कंपनी का हमारा टीम ने डिस्कवर फॉर ईस्ट ने ही काहू विलेज को इंडिया फर्स्ट विलेज बोलकर ब्रांड किया था। उस दौरान हमारा अंजाव के डिप्टी कमिश्नर आयुषी सुदन मैडम जी थे, उन्होंने पेपर को बहुत अच्छा से प्रोसेस किया। तो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस जा करके मैं और मेरा साथी महसूद अहमद हम दोनों ने मिल करके प्रोजेक्ट भी हम दोनों 2019 में सबमिट किए थे, परंतु आज तक मुझे उसका रिजल्ट जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में दिखाई दे रहा है, किवीथो से लेकर लद्दाख तक अभी इंडिया फर्स्ट विलेज बन गया, वाइब्रेंट विलेज बन गया, लेकिन हमारा एक ऐसा सर्कल है गोयलेंग सर्कल वहां में अभी तक प्रॉपर वे में कुछ भी डेवलप नहीं हो रहा है। तो आज मैं और एक में सवाल करना चाहूंगा, गोतोंगलाट विलेज को आप लोगों ने वाइब्रेंट विलेज के तौर पे दिया है,
मगर मैं अभी देख रहा हूं फंड जो है सबसे कम वहां में क्यों दिया है? क्या ग्लोटोंगला हमारा गोयलिंग सर्कल के डेवलप नहीं होना है? हमारा गोयलिंग सर्कल के अंदर में आप लोग ने दो वाइब्रेंट विलेज दिया, एक कलिंगटोंग दिया है, ग्लोटोंगला दिया है। कलिंगटोंग में जो है आप लोग इतना कम अमाउंट दिया है, डव वैली दो वाइब्रेंट विलेज मिला के भी आप लोग बहुत कम पैसा दिया है, ऐसा क्यों? हमारा गोयलिंग सर्कल को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? हमेशा से बचपन से लेकर के हम लोग आज तक देखा है आप लोग सिर्फ नजरअंदाज करते हो हमारा गोयलिंग सर्कल को। इसलिए मैं हमारा अंजाव डिस्ट्रिक्ट के विधायक दसांगलपुर मैडम जी, मैं आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गोयलिंग को कम से कम थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वहां के स्कूल कंडीशन खराब है, वहां का हॉस्पिटल कंडीशन खराब है, वहां के सड़कें कंडीशन खराब है, क्या चीज में सही डेवलपमेंट हुआ है? मैं चाहता हूँ हमारा डाव वैली भी एक अच्छा से डेवलपमेंट हो, वहां की यूथ भी अच्छा से पढ़े लिखाई करें। देखिए जब तक स्कूल ठीक नहीं होगा हमेशा की तरह हमारा समाज पीछे रहेगा, जब तक सड़कें अच्छा नहीं होगा तो हमारा जगह कभी डेवलप नहीं हो सकता है। जिस गांव में जिस जगह में भी डेवलपमेंट करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रास्ता, रास्ता सही होगा तो डेवलपमेंट होगा। इसलिए मैं आज सबसे मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सड़कें बनाना है, जीरो पॉइंट से लेकर दूधाको तक आप लोग हाईवे को सैंक्शन कीजिए। ये हमारा डाव वैली के सारा पब्लिक की ओर से मैं आपको सरकार को मैं अपील कर रहा हूं, हम भी चाहते हैं कि हमारा डाव वैली के लोग भी अच्छा सड़कें चले, वहां का लोग भी एक्टिव रहे। देखिए हमारा गोयलिंग सर्कल जो है डेवलपमेंट नहीं होने का चलते सबसे ज्यादा कानिया भी वहां पाया जाता है, सबसे ज्यादा कानी पीने वाला वहां है, और सबसे कम पढ़े लिखा भी हमारा डाव वैली में ही है। और खास करके हमारा डाव वैली के लोग, अब लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इसलिए अपने पैरों में अब लोग कुल्लारी नहीं मारना। हमारा जनता, हमारा डाव वैली के जनता, मैं आप लोगों से अपील करता हूं, पिछले बार भी आप लोगों ने वहां का जो लीडर है, कुछ चंद लोग आकर के वीडियो एक बनाया गया है कि गोयलिंग में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, कहां डेवलपमेंट हुआ है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे चाहिए असली वाला डेवलपमेंट। किसी ने कुछ कह दिया, मैं आप लोग ज्यादा बुद्धू मत बनिए हमारा गोयलिंग के जनता में, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, रास्ता बनाने आप लोग ने बोल दिया बनाया अच्छा से, गोयलिंग में बहुत डेवलप है, कहां डेवलप हुआ है? स्कूल कहां अच्छा है? हॉस्पिटल कहां अच्छा है? शो ऑफिस साल भर में एक बार शो नहीं आता है, हॉस्पिटल है साल भर में एक बार डॉक्टर नहीं आता है, टीचर है ढंग से स्कूल होता नहीं है, डेवलपमेंट कहां हुआ है? 2012 में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, मिनी हाइड्रो हाथी नाला, आप देखिए उसका इंजिन को कहां अलग जगह शिफ्ट किया गया है। आप लोग सच्चाई को बोलने से मत डरिए, कतराना नहीं है। मैं चाहता हूं हमारा डाव वैली में बहुत सारे ऐसे यूथ है जो करना चाहता है, उसका आवाज को दबाया जा रहा है, तो आप डरना नहीं, घबराना नहीं, हम सब मिल करके हम लोग गोयलिंग के लिए हम लोग फाइट करेंगे, डाव वैली के लिए हम फाइट करेंगे, गोयलिंग सर्कल के लिए हम लोग फाइट करेंगे। मेरे साथ बने रहे, जितने भी यूथ से आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बने रहे, और हम लोग जैसे भी गोयलिंग सर्कल में दूर दाखिलों तक हाईवे लाने के लिए हम लोग फाइट करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।